भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। अभी आग पे पट्टी लगा के काम चल रहा था, गेट बने लगे, यहाँ किसी का नाम नहीं लगेगा कि हमने बनाए। कब्रिस्तान ऐसा था कि हमने कत्तल खाने को शिफ्ट करके कब्रिस्तान किया था, फिर बाद में फिर कब्रिस्तान की जगह जो चेंज की गई उसमें मैं नहीं था। आमदार साहब को तकलीफ ना हो जाए तो ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। यहाँ जो टुकड़े टुकड़े में डेवलपमेंट हो रहा है और वो टुकड़े के अंदर 15-20% वर्किंग पार्टनर ली जा रही है दलाली के तौर में, या हज हाउस तो हमें अमेनिटी में लेनी चाहिए, वो एक इमारत है। मैंने अजीज को लाइन पे रखते वक्त मैंने अवार्ड साहब को कॉन्फ्रेंस पे लिया था। नजीब भाई, आप एम एम का जो कब्रस्तान है यहाँ पर आज विजिट किए, भरने की काफी मांग चल रही है इस कब्रस्तान को लेकर, क्या बजट इसका निकाला गया है और कितने जो है भरने की जाएगी? कुछ महीना पहले यहाँ के जिम्मेदारान ने, राजू अजीज और बाकी के हमारे कॉरपोरेटर्स ने, एक मेरे नज़र में बात लाई थी कि कब्रिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का भरने का वापस से काम निकल रहा है, और वो बात नज़र में लाने के बाद में मुझे फिर से वो एक डर था कि वही अंधाधुन मनमानी कारोबार चले और जो आवाम की हमेशा जो शिकायतें थी, क्योंकि पिछले बारिश और उसके पहले बहुत से यहाँ जो ज़िम्मेदार कुछ मौजूद भी है, उन्होंने हमारे नज़र में लाया था कि पानी निकलता है भरनी या मट्टी का जो क्वालिटी वो बराबर नहीं है, यहाँ वहाँ की लाई, और वो व्हाट्सएप पे अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के अपने बयानात सुने होंगे। तो मैंने वो काम को रोका था कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास, और मेरा एक ही उसकी वजह थी कि उसका लेटर देके काम रोका था कि काम सही ढंग से होना चाहिए। और उसके बाद में फिर कमिश्नर साहब के गाइडेंस के अंदर सिटी इंजीनियर की हमारे साथ में मीटिंग हुई और हमने उन्हें कहा कि काम करना है तो तरकीब से कीजिए, जहाँ से हमारे मसले जो है वो हल हो जाए। पानी नहीं आया और उसके दौरान में पता चला कि 0.8-0.6 मीटर की 3 फुट की कली भरनी दिखा के वो कर रही थी, जिससे मसले हल नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा कि काम की संख्या को, जो एरिया ऑफ स्कोप ऑफ वर्क है, वो भले कम करो, टुकड़े टुकड़े में करो, बट मुकम्मल और निज़ामात के साथ करो, एक सिस्टमेटिक करो, जो हमारी ज़रूरत है। तो हमने उसको तकरीबन 55% एरिया आज कवर होने वाला है, हमने उसको 2 मीटर की तकरीबन 6.5 फुट की आज की जगह से कॉम्पैक्टेड मट्टी तीन लेयर के अंदर उसको फिलिंग करके कॉम्पैक्शन के अंदर काम करने का किया है। और खुशी की बात है, 2 दिन पहले ही कमिश्नर साहब के पास बैठ के उसकी स्टैंडिंग की फ़ाइल हमने मंजूर कराई। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आज या कल में इंटीमेशन ऑफ लेटर निकल के 2 दिन में जो भी ठेकेदार है, भले वो किसी का भी, वो ठेकेदार को ऑर्डर दी जाएगी, बट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ के जो सियासती हम करें जो सो कायदा, कल हमारे किसी को साहब को बोले कि मैं बोलूँगा जब भी कब्रिस्तान होगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा कॉरपोरेशन का है और कॉरपोरेशन, एक आम इंसान भी जाता है तो उसकी सुनवाई होती है, तो वहाँ किसी नेता की, आमदार या कोई बड़े आदमी की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ मसले समझाइए, आपका काम हो जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर का, वो निज़ामात बनेगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रैम बनेगा। और यह हमने देखा कि बहुत सी जगह है चलने फिरने के लिए रखी गई है, तो हमने सुझाव दिया, जो कॉरपोरेशन की खुद की डिमांड थी कि हमको कब्रिस्तान की लाइंस के अंदर एक्सपांड होना चाहिए, तो जो 6 मीटर रखा था तो 3 मीटर और कब्रिस्तान दीवार की तरफ बढ़ा जाएगा, वहाँ से लिया जाएगा जिधर तादाद कब्रिस्तान की ज़्यादा होती है। तो यहाँ के ज़िम्मेदार ने बताया कि आप वो करते तो तकरीबन हमारा साल भर एक लाइन में जितनी तफ्तीन होती है वो उधर कवर हो जाती है। और रही बात, कुछ लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने अभी मट्टी के सिलसिले में बताया, तो हमने मालूमात ली ताबड़तोब, उनके सामने हमने सिटी इंजीनियर को फ़ोन किए, कमिश्नर साहब को बोले, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो मट्टी है जिससे बॉडी डिकम्पोज, जो तफ्तीन के अंदर जिसको वक्त कम लगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तफ्तीन कर सकते हैं। तो वो सिलसिले के अंदर वो मट्टी का सिलसिला मांगे हमने, बम्बे के ट्रस्ट जिन्होंने यूज़ किया उनका लेटर मंगाया है, और उन्होंने कहा
कि भले आज एरिया ऑफ वर्क कम हो जाएगा बट जो होगा वो मुकम्मल होगा। तो एक टप्पे में एक बार वो मुकम्मल होता है तो दूसरे टप्पे में इंशाल्लाह आने वाली बारिश के पहले वो भी टप्पा लिया जाएगा। कब्रिस्तान को बजट की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। सीएम साहब डीसीएम साहब से हम बजट लेकर आएंगे, शासन का बजट लेकर आ जाएंगे, कॉरपोरेशन का लेंगे, बट कब्रिस्तान बारिश के पहले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा निजामात के साथ, शिकायतों के बगैर। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बाद कोई आंदोलन या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आँख पे पट्टी लगा के काम चल रहा था, अभी आँख खोल के लोगों के मशवरे से काम होगा। अच्छा, ये जो काम गेट का हो रहा है और यहाँ बाजू में जो वजू खाना था वहाँ शायद मस्जिद बनाई जा रही, वजू खाना पीछे जाएगा, तो ये अलग अलग इसका चर्चा हो रहा है कि ये काम हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। देखो बात ऐसा है कि सवाब जारिया है, जो लोग काम कराते थे मेरे को कुछ शिकायतें आई थी, मैंने आवाम से उनसे पूछा अधिकारियों से, तो ऐसा है कब्रिस्तान में सवाब जारिये के लिए कुछ कोई चीज़ बना के दे रहा है अपने इखराजात के बगैर अपना नाम लगाए तो बेशक खुशी की बात है। गेट बने लगे यहाँ किसी का नाम नहीं लगेगा कि हमने बनाए, क्योंकि वो नेकी का काम है और हकीकत में उसको नेकी का काम है तो बंद मुट्ठी होना चाहिए। आज हमने, मैं शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त मुझे आज भी याद है एकनाथ शिंदे साहब सभागरा नेता थे और मैं 2002 में पहली बार चुन के आया था, उसके पहले महापालिका के हद के अंदर कब्रिस्तान में कभी महापालिका का फंड यूज़ नहीं किया था, थाने ज़िला में किधर भी नहीं हुआ था। मैंने वो डिमांड रखा था और शिंदे साहब ने ओके किए थे और उसके बाद में शमशान भूमि के आगे कब्रिस्तान लगा और उसके बाद करोड़ों रुपये लगा। जितना मुमरा कब्रिस्तान पे इखराजात हुआ है उससे 3 गुना थाने शहर में हमारे ज़रिए हुआ है। हमने किधर भी पार्टी नहीं लगाए, मार्बल के गेट बने कब्रिस्तान के, खुद के नाम की पार्टी लगी क्योंकि सवाब का काम है। तो जो यहाँ काम करना चाहता है वो काम करे, इसाले सवाब के लिए जो करना है करे, उसको रोकना क्यों किसी नाम ने? का भी इशू हो रहा है कि क्या नाम रहेगा कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान का नाम तो कॉरपोरेशन तय करेगी, कॉरपोरेशन के अंदर जो कब्रिस्तान का नाम देना है वो कॉरपोरेशन तय करेगी। अभी हाउस तो नहीं है, जो कमिश्नर साहब तय करेंगे। मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा यहाँ के मसले और जो कब्र में तफ्तीन करने की तकलीफ है उसको हल करना वो अहम है, वो दिखा हुआ है, हकीकी है। अच्छा, कब्रिस्तान तो ये मिला, यहाँ पर बॉडी भी दफन हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक अभी भी वो शिकम है कि जहाँ कब्रिस्तान मिलना था वहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि उस वक्त आप जो है विरोधी पक्ष नेता थे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो आप ये हेर फेर क्यों होने दिए? मैं उसकी तहकीकात ज़रूर करूँगा, क्योंकि उस वक्त मुझे दिमाग देने का काम था कि मसले को कैसा हल करें। तो जब मेरे सामने पेचीदा मामला था और जहाँ की सुनील मित्तल मेरी इज्जत करते थे और जबी के साबिक जो वहाँ आमदार थे हमारे उस वक्त के नेता थे, उनका कुछ अनबन हो गया था मिजाज को लेकर उनके, तो वो कोई हैंडओवर करने को नहीं तैयार थे। तो उस वक्त मेरे सामने कमिश्नर थे, कमिश्नर ने पेचीदा मामला रखे और आला हज़रत मोइन मियाँ साहब ने मुझे बुलाए थे और कहा था कि मामला सियासती मैपना में अटका है, इसको किस तरीके से निकाला जाए और कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है। तो उस चीज़ में मैंने तवज्जा दिया, तो कब्रिस्तान ऐसा था कि हमने कत्तल खाने को शिफ्ट करके कब्रिस्तान किया था जितनी मेरी याददाश्त है। तो हेर फेर बाद में फिर कब्रिस्तान की जगह जो चेंज की गई उसमें मैं नहीं था। एक कब्रिस्तान जहाँ रिजर्वेशन आया था और एक कत्तल खाने का रिजर्वेशन आया था। तो जो सुनील मित्तल साहब के साथ मैं बैठ के जो बातचीत की थी, मैंने प्लान देखा नहीं था क्योंकि मुझे जगह मुआया करानी थी, मैं प्लान देखा नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा तवज्जा दूँ तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती थी, यहाँ के लोगों को नेता नहीं बनने मिलता था। तो मैं थोड़ी सी घर में तकलीफ़ ना हो जाए, आमदार साहब को तकलीफ़ ना हो जाए तो ज़्यादा तवज्जा नहीं देता था। तो कब्रिस्तान की जगह पर कत्ल खाना डाला गया था और कत्ल खाने की जगह पे एक जो रिजर्वेशन चेंज का मामला था, तो मैंने सिर्फ कमिश्नर साहब को बोला कि ये जो चेंज पुटअप कर रहे हैं आप उसको ओके करो। और मालिक को मैंने बगैर ज़मीन के बगैर प्लान देखे, अल्लाह ताला को नाजिल रख के कहता हूँ, बगैर प्लान देखे मैंने कहा था कि आप ये चेंज करो, बट मैंने सुनील मित्तल साहब को कहा था कि ये चेंज आपका जो है मैं आपकी कमिश्नर साहब से करा के देता हूँ, तो मुझे 24 घंटे में जगह हैंड ओवर का लेटर आपको देना पड़ेगा। और मुझे आज भी याद है तकरीबन 5 या 6 अगस्त
रेगी, अगस्त का महीना था, संडे के दिन जायसवाल साहब ने अपने बंगले पे सुनील मित्तल को बुलाए, मैं, सुनील मित्तल, निम्बालकर साहब और एडीडीपी जबी के गोयल साहब, हम मौजूद थे। और जब ही उनको सामने उनको ज़बान दिलाई गई और कहा गया कि आप कब्रिस्तान हैंड ओवर करो, उन्होंने संडे को बोला कि ये लेटर मैंने लाया हूँ हैंड ओवर का, तो मुझे जगह जल्द से जल्द चाहिए थी, क्योंकि हम एक्विजिशन लॉ में जाते थे तो तकरीबन हमको 3 साल लगते थे जगह लेने को। वो बकाया पैसा हमको जमा करना था कलेक्टर को, प्रोसीडिंग होती थी, तो जो जल्दी चीज़ थी, तो जल्दी चीज़ में कब्रिस्तान जल्दी मिल रही है, वो क्या मांग रहा है उसके ऊपर तवज्जा ना देते हुए किए। अब वो बाद में देखो, आप चीज़ याद रखो, कब्रिस्तान मंजूर आपका 2015 में हुआ, हैंड ओवर 15 में आया, 16 के जनवरी में आया, और उसका रिजर्वेशन चेंज का प्रस्ताव कुछ उसने 15 के 16 के अंदर मंजूर किया, उसके बाद में उसने लेआउट के अंदर चेंज किया, कुछ रास्ते शिफ्ट कराया, रिजर्वेशन शिफ्ट कराया, तो वो चीज़ का मुकम्मल नकाशा देखे नहीं थे। बट आज जो चीज़ है हकीकत, उस चीज़ के ऊपर स्टडी चालू है और हमारी डिमांड है कि यहाँ जो टुकड़े टुकड़े में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े में जो डेवलपमेंट हो रहा है और वो टुकड़े के अंदर 15-20% वर्किंग पार्टनर ली जा रही है दलाली के तौर में या कुछ पैसे लगा के जो चीज़ चल रही है, उसके अंदर मुमरा का नुकसान हो रहा है। ये लेआउट एक साथ डेवलप होता है तो हमारे को एम्यूनिटी बहुत सारे मिलते हैं। देखो, दो चीज़ होती है आवाम की सहूलत के लिए, एक होती है एम्यूनिटी जो फ्री में जगह मिलती है वो बिल्डिंग 20,000 के ऊपर जाने से, और एक होती है रिजर्वेशन जो अलग अलग तरीके में हमको मिलता है। इसके लिए हमने सबसे पहले रुकावट रखी है, जो कोने में एसटी डेपो, जो डेपो का टीएमटी डेपो का रिजर्वेशन था उसको हज हाउस में, हज हाउस तो हमें एम्यूनिटी पर लेनी चाहिए, वो एक इमारत है, उससे आवाम को फैज नहीं है। हजी हमारे 100 जाएंगे मुमरा से, 200 जाएंगे, बट वो आधे प्राइवेट से जाएंगे, कोटे में तो ऑल इंडिया आएगा, कोटे में तो महाराष्ट्र का आएगा, तो मुमरा को तो कोई कोटा नहीं मिलने वाला पिछली डैम की जगह, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि हज हाउस एक एम्यूनिटी पे दो जो कॉरपोरेशन को फ्री में प्लॉट मिलता है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, मगर जो हमारा रिजर्वेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे, डायरेक्ट आवाम को पहुँचे। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जब कब्रिस्तान यहाँ पर मिला उस वक्त अजीज बाटा साहब ने यहाँ पर बहुत विरोध किया था, तो आपने ही उनको जो है शांत करा दिया? अजीज बाटा ने विरोध किया था कब्रिस्तान मिलने के वक्त नहीं, मट्टी के भराव के टाइम पे विरोध किया था, तो मट्टी बेशक मई को मुझे आमदार साहब का फोन आया कि अजीज आपकी बात मानता है, बेशक मेरा बहुत कमांडर बहुत अच्छा है हमारा, मेरा साथी है, मेरा भाई है, तो मैंने उसको रात के वक्त मेरे ख्याल से फ़ोन किया था, जितनी याददाश्त, तो फ़ोन किया था और मैंने कहा था, तो अजीज़ ने, मैंने सिर्फ उसको रोका नहीं था, अजीज़ ने जो शिकायत की थी उस वक्त मैंने अजीज़ को लाइन पे रखते वक्त मैंने अवार्ड साहब को कॉन्फ्रेंस पे लिया था, और कॉन्फ्रेंस पे लेकर क्या कि ये शख्स है और साहब आपने किसी को काम दिए हुए है, भले वो काम आपका चमचा हो या आपका दरवाज़ा खुलने वाला हो, मगर वह इंसान को पैसे मिलने वाले काम आखिरत का, उसने काम सही तरीके से करना चाहिए। अजीज़ की शिकायत है कि मट्टी सही तरीके से नहीं आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, मट्टी नहीं आ रही है, तो आप उसमें दुरुस्ती करो, अजीज़ बीच में रुकावट नहीं लाएगा, और वो वादा दिया गया था मुझे कि वो चीज़ का काम सही तरीके से होगा, अजीज़ को बल शांत रहने। एक आखिरी सवाल, मुमरा बाईपास पर टोल नाके के पास एक कब्रिस्तान है, फाइनल स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे नहीं मिलेगा, सुनो मेरी बात, उसमें दिक्कत, राजू भाई ने भी 6-7 महीना पहले बोले 1-2 महीने में, उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी थी, जो अल्लाह उनको और नवाजे, जो बड़े शख्स ने बम्बई के अपने जाती पैसे से वो ज़मीन खरीदी थी, तो उस वक्त जितनी उनको लोगों ने गाइड किया था तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी थी, उसकी शुरुआत करने के अंदर ऐसा है, शरीयतन तौर पे मालिक का हक की अदा किए बगैर हम नहीं शुरू कर सकते, या तो उसकी रजामंदी चाहिए, मालिकों ने वो रजामंदी दी नहीं, इसके लिए शुरू नहीं हुआ, तो उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिर ऐसा था ट्रस्ट और परमिशन, तो हमको रिवर्स जाना पड़ा, यानी हमको थाना से वीटी जाना था, मस्जिद स्टेशन से पीछे आए, क्योंकि वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम था जब मेरे पास केस आई, तो वो चीज़ से किया गया है, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आने वाले
30 तारीख के पहले वो रजिस्ट्रेशन रुका है वो हो जाता है तो तकरीबन इंशाल्लाह उसका तफ्तीन का काम हमारा महीने से डेढ़ महीने में शुरू होगा, क्योंकि वो मालक को जो मुआवजा अदा करना है वो एक आफ्टर द पीरियड के बाद ही होगा, उनको एक TDR सर्टिफिकेट देना है एग्रीमेंट के हिसाब से। तो TDR सर्टिफिकेट देने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करके महीने डेढ़ महीने में TDR निकलेगा, उनको देंगे और दूसरे दिन काम चालू होगा बाकी के जिम्मेदार के साथ। कॉरपोरेशन ने हर चीज़ फाइल ओके करके रखी, उसके वजह से देरी हो गई, यू टर्न मारना पड़ा, नहीं तो वो जो सिलसिले से चल रहे थे ट्रस्ट के नाम पर TDR निकलता तो ट्रस्ट को फिर TDR मालक को देते आता नहीं और उसके लिए चैरिटी में जाना पड़ता और एक साल जाता था उनका। इसके लिए हमने कहा कि एक ट्रस्ट के नाम का 7-12 कैंसिलेशन करके उसके लिए कॉरपोरेशन की NOC लगी, ठहराव लगा, कैंसिल करके वापस मालक के नाम पे लाए, क्योंकि TDR मालक को जाना है, वो इंसान ने नियत की है कि बचा हुआ TDR भी वो अपने आवाम को देने वाले हैं, वक्फ करने वाले हैं, तो उसके वजह से वो चीज़ को देरी हुई।